यूक्रेन और रूस के बीच जो महायुद्ध चल रहा है उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक लेकर आ रहे हैं। आज युद्ध का चौथा दिन है। यूक्रेन और रूस के बीच इस जंग के ताजा हालात क्या हैं? रूस की तरफ से वार तो यूक्रेन की तरफ से पलटवार जारी है। सबसे पहले आपको हम युद्ध की चार दिनों की तस्वीरें दिखाते हैं, इनको गौर से देखिए। और पहले दिन से लेकर आज चौथे दिन तक लगातार हमला तेज हुआ है रूस की तरफ से यूक्रेन पर। आज रूस ने दावा किया है कि दो बड़े शहरों पर यूक्रेन के उनकी सेना ने कब्जा कर लिया है, लेकिन वहीं यूक्रेन की सेना भी आसानी से घुटने नहीं टेक रही है। लगातार पलटवार जारी है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उनसे साफ है कि अगर रूस की सेना हमलावर है तो यूक्रेन की सेना भी पुरजोर तरीके से उनका जवाब दे रही है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यहां पर रूस ने दावा किया है कि उनके सैनिक घुस गए हैं। 478 किलोमीटर दूर है राजधानी कीव से और अभी भी राजधानी यूक्रेन के कब्जे में ही है। और तमाम अपडेट्स जो आ रही हैं वो बातचीत से जुड़ी हुई भी हैं, उससे भी जुड़ी आपको बड़ी खबर मैं आगे बताऊंगी। लेकिन इस समय जो बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है राजधानी कीव से वो ये है कि इससे सटे शहर इरपिन से अभी आपको ताजा अपडेट मिला है कि यूक्रेन मीडिया ने दावा किया है कि इरपिन में यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर हमला किया है, यानी पलटवार किया है। इरपिन जो है सटा हुआ है यूक्रेन की राजधानी कीव से और यहां पर यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की सेना पर हमला किया है। ये तस्वीरें भी देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले युद्ध की जो तस्वीरें आ रही हैं, जितने भी वीडियोज आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और लगातार हमले हो रहे हैं दोनों ही तरफ से, गोलीबारी का सिलसिला जारी है। साथ ही सायरन भी सुनाई देते हैं, कभी हवाई हमले के अलर्ट के सायरन तो कभी जमीनी हमले के अलर्ट के सायरन। युद्ध भूमि की ताजा तस्वीरें, जगह जगह से धुआं नजर आ रहा है, चाहे रिहायशी इलाके हो चाहे फिर वो सेना के इंस्टॉलेशंस हो। ये एक और रिहायशी इलाके से बनाया हुआ वीडियो है जो दूर से एक जगह पर जहां धुआं उठ रहा है जबरदस्त वो दिखा रहा है। और ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस वक्त आ रहे हैं, हर किसी की पुष्टि करना, हर किसी की बारीकियां समझना ये दरअसल थोड़ा सा मुश्किल है इस समय, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वेरीफाइड वीडियोस पहुंचाएं। और अब सीधी जानकारी ले लेते हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय से। एबीपी न्यूज की टीम युद्ध भूमि में मौजूद है, प्रणय कीव से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिल्ली से नीरज राजपूत लाइव होंगे, मेरे साथ कर्नल दानवीर स्टूडियो में बैठे हैं और साथ ही हम रोमानिया भी चलेंगे जहां से पूनम जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रणय, पहला सवाल आपसे, इस वक्त की अपडेट हम आपसे चाहते हैं और ये जो दावे आ रहे हैं कि आप देखिए लेटेस्ट आया है कि इरपिन में यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर हमला किया है। न केवल इरपिन से आया है बल्कि जो स्लावका कीव है, इसके अलावा ब्लासिस कीव है, जो आसपास के इलाके हैं, इसके अलावा खार्किव से भी जो खबर आ रही है उसमें ये खबर आ रही है कि लगातार हमला यूक्रेन की सेना भी कर रही है। और अगर मैं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के दावों की बात करूं तो यूक्रेन का दावा है कि उसने 27 एयरक्राफ्ट, 26 हेलीकॉप्टर और 146 टैंक जो हैं वो नष्ट किए हैं रूस के। ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं कि उन्होंने सूची भी जारी की है कि इतने टैंक और इतनी तादाद में नुकसान पहुंचाया है रूस को। प्रणय आप बने रहिए हमारे साथ। जी, करीब 4300 जी। हाँ बोलिए बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। 4000 जी करीब 4300 सैनिकों को मार गिराने का भी दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन की जो रक्षा राज्य मंत्री हैं आना माल्यार, उनकी तरफ से ये रिलीज जारी की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पिछले तीन दिनों की लड़ाई के अंदर रूस को काफी नुकसान हुआ है। अगर मैं कीव शहर की बात करूं तो प्रीति, हम कई लाइव्स में इससे पहले भी बात करते रहे हैं लेकिन आप तस्वीरों का अंतर देख सकती हैं। आज हम अधिकतर बेसमेंट में हैं, इसमें हैं क्योंकि शहर में बाहर कर्फ्यू लगाया गया है अगले 12 घंटों के लिए। और इसके साथ ही सबको ये हिदायत दी गई है, शहर के अंदर अलग अलग चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। यूक्रेन की रणनीति को अगर आप समझें तो उनकी रणनीति फिलहाल ये है कि किसी भी तरीके से कीव में रूसी सेना को दाखिल होने से रोका जाए और साथ ही कीव के बाहर जो है वो तमाम लड़ाई को रखा जाए। और सारी कोशिश इसी चीज को लेकर है, शहर के अंदर लोगों को निकलने से रोका गया है, लोगों को ताकीद की गई है कि अगर कोई सैबोटेयर आता है, चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं कि वहां उनकी पहचान करवाई जाए। साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि जिस भी जगह पे वो रूसी सैनिकों को देखते हैं, उनके कॉन्वॉयज को देखते हैं, उन्हें डिसरप्ट करें।
करें, तो पूरी तरीके से अपनी जमीन को, अपनी जगह को बचाने के लिए फिलहाल यूक्रेन कोशिश करता हुआ जी जान से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो आपने बड़ी अपडेट दी है इस वक्त प्रणय, एक बार जल्दी से वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 4000 से ज्यादा सैनिकों को, रूसी सैनिकों को मारने का दावा किया है यूक्रेन ने, और जैसा कि प्रणय बता रहे हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा की पुरजोर कोशिश कर रहा है यूक्रेन, क्योंकि कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है, अगर यहां रूसी सैनिक पहुंच गए तो फिर ये लास्ट फोर्ट है, ये गिर गया तो फिर उसके बाद शायद सरेंडर ही करना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को, या फिर टॉकिंग टेबल पर आना पड़ेगा, संधि प्रस्ताव पर साइन करना होगा, आगे की रणनीति पुतिन की क्या होगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो जल्दी से आपको बता देते हैं, रूस के विमानों पर ईयू बैन लगा सकता है, ईयू यानी यूरोपियन यूनियन अपने हवाई क्षेत्र में रशिया से आने वाले विमानों पर पाबंदी लगा सकता है, सैंक्शंस का ये भी एक जरिया है। ईयू ने साफ जाहिर किया है पहले अपने बयानों में भी कि जो रशिया ने मिलिट्री कार्रवाई की है यूक्रेन पर वो बिल्कुल भी उन्हें स्वीकार नहीं है, और जिस तरह की सैंक्शंस की बात अमेरिका भी करता आ रहा है उन्हीं में शायद एक और ये भी हो सकता है कि रूस से आने वाले विमानों पर अब बैन लगा दे यूरोपियन यूनियन। तो पूनम जोशी से अब हम सीधा बात करते हैं जो रोमानिया बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, रोमानिया की राजधानी में है मेरे ख्याल से, बुखारेस्ट में है पूनम जोशी, और पूनम आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि रोमानिया भी है, वहां से भारतीय छात्रों को निकालने की कार्रवाई भारत सरकार भी कर रही है। जी अभी अभी 4 बसेस आई हैं यहाँ पर, और उन सभी बसेस में बच्चे भरे हुए हैं, अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो ये कमरा अभी अभी देखते देखते पूरा भर गया है भारतीय स्टूडेंट्स से, अभी अभी और बसेस आई हैं बच्चों को लेकर। तो इन लोगों का कहना ये है कि जब एक बार ये रोमानिया बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं तो वहां से इनके लिए पुरजोर इंतजाम है, जहां तक कि इंडियन मिशन इन्हें ले लेते हैं, इन्हें बसेस में बिठा कर यहाँ तक लेके रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इन लोगों के लिए इस वक्त है कि यूक्रेन बॉर्डर तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज ने इन बच्चों के मुताबिक इन 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 लोगों को लास्ट डे तक ये नहीं बताया कि कंट्री वॉर में जा रहा है, आप अपने अपने देश चले जाइए या ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए। इनके मुताबिक इन्हें आखिरी दिन तक जोर दिया गया कि आप ऑफलाइन क्लासेस करिए, आपका वहां होना जरूरी है। और फिर जब बॉम्बिंग होनी शुरू हो गई, सब होना शुरू हो गया, तो इन्हें कहा गया कि अपना इंतजाम खुद करो, जहां जाना है जाओ। इन बच्चों ने खुद, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है पूनम, हम भी जिन भी छात्रों से बात कर पा रहे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम बॉर्डर तक कैसे पहुंचे, वहां तक पहुंचना भी इस वक्त हालात ऐसे कि नामुमकिन हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है और ये दावा आया है यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन ने दावा किया है कि हवा से हवा में मार गिरा देने वाली मिसाइलें उनके पास आ गई है। किस देश ने ये मिसाइलें उन्हें दी है इस वक्त इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ये साफ नहीं है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूक्रेन शुरुआत से ही दावा कर रहा है कि 28 देशों उनका साथ देने का इस युद्ध में वादा किया है, किसी ना किसी तरह तरीके से उसी की तरफ शायद ये एक और दावा सामने आ रहा है कि एयर टू एयर मिसाइल से उनके लड़ाकू विमानों को लैस किया गया है। कर्नल दानवीर मेरे साथ हैं, कर्नल दानवीर इसका महत्व कितना है इस दावे का? देखिए ये दावे का महत्व तब ज्यादा बन जाता है अगर ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हों। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अगर, जैसा आप बता रही हैं कि इनपुट आई है, तो ये कहाँ पे लगेंगी, कौन से जहाजों में लगेंगी, कहाँ पे यूक्रेन की एयरफोर्स सक्रिय है? एक्चुअल में देखा जाए तो इस समय टोटल एयर सुपीरियॉरिटी है और रशियंस के कंट्रोल में पूरा एयर स्पेस है। तो दुश्मन का या यूक्रेन का कोई विमान उड़ रहा हो, मेरे को नहीं लगता कि इस समय कोई यूक्रेन की एयरफोर्स का विमान हवा में उड़ रहा है। तो ये हवा से हवा की मिसाइल शायद ना हो, ये शायद ग्राउंड से हवा की मिसाइल हो, क्योंकि सवेरे जो इनपुट आया था वो ये था कि जर्मनी तकरीबन 500 सरफेस टू एयर मिसाइल स्ट्रिंगर्स प्रदान कर रहा है। तो अगर मेरे को मोस्ट प्रोबेबली ये वाला एंगल ज्यादा लगता है। चलिए ठीक है, आप हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जिस तरह से आप आकलन कर रहे हैं लगातार हम उस पर नजर बना के रखेंगे। ये ऐलान हुआ है जर्मनी का, जीडीपी का कम से कम 2% रक्षा बजट में बढ़ाएगी जर्मनी, क्या इसके तार जुड़े हुए हैं इस युद्ध से जो फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है? 100 बिलियन यूरो सेना पर खर्च करेगा जर्मनी। देखिए पूरे यूरोप में इस वक्त ये बात चल रही है कि कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध लंबा चला तो यूरोप भी इसकी लपेट में आएगा। तो जर्मनी की संसद में ये फैसला किया गया है
कि 2% रक्षा बजट बढ़ा दिया जाएगा। इस समय एक बड़ी खबर के साथ जो आ रही है, यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे शहर इरपिन से यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि इरपिन में यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर हमला किया है। दावों का दौर लगातार चल रहा है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है, जो जानकारी अब से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने दी, कि 4000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है यूक्रेन ने। लेकिन जो ये शहर है इरपिन, ये बिल्कुल राजधानी कीव से सटा हुआ है और यहां से खबर ये आ रही है कि रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया है। लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो अलग अलग जगह से आ रही है। यूक्रेन के दो बड़े शहर हैं जिन पर दावा कर रहा है रशिया कि उन्होंने कब्जा कर लिया है, उनमें से एक खारकीव है। इसके अलावा कीव से भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं कहीं से उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है, गोलीबारी दोनों तरफ से लगातार चल रही है। अगर रूस हमलावर है तो यूक्रेन भी डटकर जवाब दे रहा है। पलटवार की भी लगातार अपडेट्स हमें मिल रही हैं। यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उस तक अभी भी रूसी सैनिक नहीं पहुंच पाए हैं। यहां तक कि यूक्रेन के कुछ मंत्री अब उकसाकर पूछ रहे हैं रशिया से कि आप तो ये दावा करते थे कि 2 घंटे में कीव को अपने कब्जे में कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यूक्रेन डटकर टक्कर दे रहा है। यूक्रेन के सैनिक भी बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रशिया के ना सिर्फ 4000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन इस लड़ाई में, इस जंग में भारी नुकसान भी पहुंचा रहे हैं रूस को। तो यूक्रेन पर हमले के बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पुतिन ने रूसी सेना की पीठ थपथपाते हुए कहा है कि यूक्रेन में उनकी सेना जो ड्यूटी निभा रही है उससे वो प्रभावित है, यानी कि वो खुश है अपनी सेना के काम से। अब तक आज 4th दिन है इस युद्ध का। और अब मैं सीधा जाना चाहूंगी मेरे सहयोगी नीरज राजपूत के पास, जो दिल्ली से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, जो भी स्पोक्सपर्सन बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं रूस के, उनसे क्या जानकारी मिल रही है? नीरज, अब देखिए, पुतिन तो खुश हैं अपनी सेना के काम से, लेकिन वहीं यूक्रेन दावा कर रहा है कि 4000 से ज्यादा रशियन सैनिकों को मार गिराया है। देखिए प्रीति, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि दावे और दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो ये सिर्फ लड़ाई जो है मिलिट्री वॉरफेयर नहीं है, ये इन्फो वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है। और ये जो इसका इस्तेमाल भी होता है, जो भी लड़ाई होती है आज के आधुनिक युग में, उसमें जो है ये हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही पक्ष जो है, दोनों ही देश, दोनों ही सेनाएं इस तरह से दावे करती हैं। जैसे कि आज रूस की सेना ने दावा किया कि अब तक 1000 स्ट्राइक जो है रूसी सेना जो है यूक्रेन के ऊपर कर चुकी है, जिसमें उन्होंने बताया कि दर्जनों जो फाइटर जेट्स उन्होंने मार गिराए हैं, करीब 36 बताए हैं, जिसमें से 27 या 28 तो खड़े हुए विमान है और 8 जो है आसमान में है। 200 से ज्यादा टैंक उन्होंने तबाह कर दिए। दूसरा, जहां तक राष्ट्रपति पुतिन की बात है रूस की, क्योंकि आज जो है रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस डे भी है जिसको वो मनाते हैं, और जो हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन में जो मेनली जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जैसा कि पुतिन ने भी कहा था अपने शुरुआत वाले भाषण में, पहले दिन वाले में जब आक्रमण किया था यूक्रेन पर, कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस है और आज उनका स्थापना दिवस है स्पेशल ऑपरेशंस का, इसीलिए उन्होंने जो है बधाई दी जिस तरह से उनके जो सैनिक हैं और खासतौर से जो पैरा ट्रूपर्स हैं जो अपना इस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं, चाहे दोनेत्स्क को, लुहान्स्क को। और ये बात और देखनी होगी कि रूस की जो सेना है, उनकी जो प्रवक्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों के बारे में बात करते हैं, कीव के बारे में अभी तक 4 दिन उन्होंने अपनी पीठ तो थपथपाएंगे ही पुतिन, लेकिन जैसा कि आपने कहा ये इन्फो वॉर भी है, ये प्रोपेगेंडा वॉर भी है। तमाम अपडेट्स हम देते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन जो है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पहुंच गया है रशिया के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर। इस युद्ध के लिए उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की है। यूक्रेन रूस युद्ध अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जा पहुंचा है। अर्जी दाखिल की है यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में। अब यह मामला चला गया है और यूक्रेन ने रूस के नरसंहार पर रोक लगाने की भी मांग की है। तो यूक्रेन अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक पहुंच चुका है। सैन्य गतिविधि पर रोक लगाई जाए और ट्रायल की मांग की है रूस के खिलाफ यूक्रेन ने। कर्नल दानवीर मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ है, लेकिन देखिए हर मोर्चे पर कर्नल दानवीर यूक्रेन इस लड़ाई को लेके जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, कोई भी जो विकल्प है उनके पास वो नहीं छोड़ रहे हैं, और अपनी तरफ से जो जितना भी इंटरनेशनल प्रेशर रशिया के ऊपर बनाया जा सके वो यूक्रेन बखूबी बना रहा है। और जैसा नीरज राजपूत भी बता रहे थे कि जमीन के ऊपर भी यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरीके के जज्बे के साथ यूक्रेन रशिया के सामने खड़ा हुआ है, डटा हुआ है।
जी बिल्कुल। अब ये जब मामला इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया है और साथ ही तमाम अपडेट्स बड़े देशों से भी आ रही हैं, चीन ने भी कहा है कि अमेरिका इस युद्ध का जिम्मेदार है, ये सारी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। चाइना ने एक बयान जारी किया है और चीन ने निंदा की है अमेरिका की, जमकर बरसा है अमेरिका पर चीन इस युद्ध को लेकर, और चीन का कहना है कि इस युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। चीन ने युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और अमेरिका खुद से पूछे कि इस हाल का जिम्मेदार कौन है, ये कहना है चीन का। तो ताजा बयान जारी किया है चीन ने और जमकर बरसा है अमेरिका पर। खबर ये आ रही है कि यूक्रेन से लगभग 3,68,000 लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली है। युद्ध की वजह से शरणार्थियों की संख्या 3.5 लाख के पार हो गई है। ये लोग सड़क मार्ग के जरिए जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें शरण ले रहे हैं और यूक्रेन के शरणार्थियों को लेकर यूएन ने भी चिंता जाहिर की है। हमेशा कोलैटरल डैमेज में नागरिक ही सामने आते हैं, सिविलियंस को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दो देशों की इस लड़ाई का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।